हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर एक भी वीडियो मिस ना करें। मेरी सोल सिस्टर, नाम जिसका ज्योति है और पर्सनालिटी भी वैसी ही है, उस पर कोई भी ऐसा नाम, पूजा, अर्चना, प्रार्थना, आरती, देवी, ऐसा कोई भी नाम सूट हो जाता, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी भी ही वैसी है जैसे देवीय गण के लोग होते हैं ना। कभी किसी के लिए बुरा ना बोलना, कभी किसी के लिए बुरा ना सुनना, स्कूल बंक ना करना, प्रैंक्स ना करना, कभी गाली ना देना, कभी किसी का टिफिन ना चुराना, कुछ भी गलत काम नहीं करती थी वो। और मैंने तो हमेशा रूल बुक के अगेंस्ट जाकर ही सब काम किए हैं। वो दिन है तो मैं रात हूँ, पर संध्या के मिलन का जो शुद्ध और मनोहर दृश्य होता है ना, रिश्ता हमारा वैसा ही है। हाइट में मुझसे बहुत बड़ी, मेरी ड्रेस उसके लिए टॉप बनते, उसके टॉप मेरे लिए ड्रेसेस। अनगिनत चीजें शेयर करी हैं हमने, अनगिनत लम्हे जो लौट के तो नहीं आएंगे, पर याद आते हैं तो हमेशा गुदगुदा जाते हैं। अपने शरीर का एक हिस्सा भी हम शेयर करते हैं, ये टैटू, सोल सिस्टर्स, जो हम दोनों ने एक साथ बनवाया। सोल सिस्टर्स, आत्मीय बहनें, सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, कुछ भी कह लो, पर रिश्ता हमारा बहुत बढ़कर है। हम बचपन के साथ ही नहीं हैं, मिले 11th क्लास में ही थे, पर वो दिन है और आज हमारे रिश्ते को 13 साल हो चुके हैं, और लगता है जैसे कल ही तो वो 11th बी क्लास के बाहर कॉरिडोर के कोने में खड़ी थी, एकदम चुपचाप सी लड़की। हमारे सब सब्जेक्ट सेम थे तो ज़्यादातर हम टाइम साथ में बिताते थे, पर वो बहुत सिंसियर और मैं बहुत नॉटी, मेरे चक्कर में वो भी पनिशमेंट खाती पर कभी उफ तक न करती, पर मुझे हमेशा समझाती रहती। समझाती क्या, डांटती रहती, क्लास में ध्यान दो, पीछे बैठ के शरारत मत करो, लड़कों से बात मत करो, टीचर्स के साथ बदतमीजी मत करो। कभी कभी तो ऐसा लगता मेरी दो मम्मियाँ हैं, एक घर पे और एक स्कूल में। पर प्यार मुझसे बहुत करती, मेरे लिए एक शब्द की बुराई ना सुन पाती, फिजिक्स में मुझे फेल होता हुआ देखकर डांट डांट कर एक एक कॉन्सेप्ट समझाती, और इंग्लिश में टॉप होता हुआ देखकर सबसे आगे खड़े रहकर ताली बजाती। स्कूल में मेरा कोई भी परफॉर्मेंस हो, डिबेट हो, सबसे एंथुजियास्टिक ऑडियंस वही होती थी। इतने सालों से मेरा हर बर्थडे उसने ही स्पेशल बनाया है। डेकोरेशन करना, मेरे लिए केक बनाना, मेरे लिए हैंडमेड स्पेशल गिफ्ट्स लेके आना, बहुत कुछ करती थी। इस साल नहीं थी ना, तो बर्थडे भी खास नहीं था। उसकी शादी हो गई है, दूर चली गई है, बदली नहीं है, बस दूर चली गई है। अब साथ में शॉपिंग नहीं कर पाते, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, साथ में खाना नहीं बना पाते। एक्चुअली सिर्फ वो बनाती थी, मैं बस खाती ही थी, पर हाँ अब वीडियो कॉल्स पे मुझे रेसिपी समझाती है। साथ में पिक्चर्स क्लिक नहीं कर पाते, पर एक दूसरे को अपने हर अचीवमेंट की पिक्चर्स और रोज सेल्फी शेयर करके खुश हो जाते हैं। वो टाइम मुझे अब कम दे पाती है, कभी कॉल्स नहीं उठा पाती, मैसेजेस का रिप्लाई करने में बहुत लेट हो जाता है, पर कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्यार कम हो गया है, उल्टा बढ़ ही गया है, क्योंकि वो बदली नहीं है, बस थोड़ा दूर चली गई है। क्योंकि बाबू मुशा है, दोस्ती लंबी नहीं गहरी होनी चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा हैंडल नेम है ऑथर भाग्यश्री। मैं वहाँ पे पिक्चर्स और बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ जो यहाँ नहीं शेयर कर पाती, बिकॉज दिस इज़ अ वीडियो प्लेटफॉर्म। सो लेट्स बी फ्रेंड्स देयर। ऐसी और वीडियोस को अपनी भाषा में देखने के लिए प्ले स्टोर से बोलो इंडिया को अभी डाउनलोड करें।